सैमसंग ने, जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग ने अपने काफ़ी स्मार्टफोन्स जो लॉन्च किए, जिसमें हमें ए सीरीज के ब्रांड में स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं A33, A53 और A73। बट इनमें अगर बात करें, A73 द मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस हमें देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। बट सैमसंग ये बताता है कि ये जो स्मार्टफोन एक मिड रेंज कैटेगरी में आता है। बट अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसेस की, तो वो हमें देखने को मिलती है 44,000-45,000 रुपीज़। तो क्या ये स्मार्टफोन 44,000-45,000 में एक वैल्यू फॉर मनी है, या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? तो हम इसी डिवाइस को एक कंपेयर करने जा रहे हैं आईफोन XS के साथ, क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको 35,000 से भी कम देखने को मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर चैनल से पहले भी वीडियो अपलोड की है, जहाँ पर मैंने बताया है कि आईफोन XS आपको 25,000 का देखने को मिल जाएगा। बट अगर कंपेयर करें सैमसंग गैलेक्सी A73 से आईफोन XS को, तो काफ़ी डिफरेंस हमें इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने प्लान किया A73 बाय करने का, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं सैमसंग का ही कोई ब्रांड न्यू स्मार्टफोन बाय करने का, या फिर अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि आप 44,000 एक स्मार्टफोन में परचेज करने जा रहे हैं, तो ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और तब डिसाइड करिए कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके इनकी कोई स्पेसिफिकेशन, और मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A73 5G को, तो यहाँ पर अगर देखें इस स्मार्टफोन की कुछ बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले वाइज, तो बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है A52 जैसा ही हमें देखने को मिलता है। कुछ भी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलती। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। कोई भी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी एक स्लीक और काफ़ी एक प्रीमियम डिवाइस हमें, काफ़ी एक प्रीमियम स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का फ्लैशिंग पैनल देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। आईफोन की अगर हम देखें आईफोन XS की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5.8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले HDR रेटिना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले आपको ट्रू टोन देखने को मिलती है, और इसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये जो स्मार्टफोन है उससे ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो एक एप्पल की तरफ से एक फ्लैगशिप डिवाइस देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर हम एक स्मार्टफोन को पिक करें, तो आईफोन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वो है गेमिंग। तो गेमिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलता है, जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A73 5G में देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको A12 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली एप्पल की A12 चिप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें BGIM से, तो यहाँ पर आपको आईफोन XS में अल्ट्रा में एक्सट्रीम गेमिंग कर सकते हैं आप, यानी कि इसमें आप 60fps की गेमिंग कर सकते हैं पूरी हाई क्वालिटी में। और वहीं पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A73 में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ HDR का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ अल्ट्रा फ्रेम रेट ही हमें देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है गेमिंग क्वालिटी की रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आईफोन XS गेमिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग भी अगर करते हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है आईफोन XS, ये सभी चीज़ें इस स्मार्टफोन की बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वो है कैमरा क्वालिटी। तो कैमरा क्वालिटी आपको जैसे कि पता है कि सैमसंग ने अपनी पहली बार अपनी A सीरीज में 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया है, जो कि इमेज क्वालिटी में आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है। ये अगर आप डिटेल लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी एक अच्छी फोटोग्राफी देगा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बट कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो वो जो है आईफोन XS आपको बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है। डिटेलिंग अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको शायद थोड़ी सी सैमसंग की बेटर देखने को मिल जाए, बट क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो क्वालिटी ही ज़्यादा मैटर करती है। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको आईफोन XS बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ वीडियो क्वालिटी और इसकी इमेज क्वालिटी आपको सैमसंग गैलेक्सी A73 से बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगी। सेल्फी कैमरे की अगर बात करें, तो वहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और आईफोन XS में सिर्फ 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पर ये जो सेम बात है कि यहाँ पर भी आपको डिटेलिंग लेवल थोड़ी सी आपको A73 में बेटर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन XS से, बट क्वालिटी आपको आईफोन XS की बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A73 से। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर अगर देखें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो बैटरी लाइफ हम कंपेयर
कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आईफोन एक्सएस में बहुत ही कम बैटरी लाइफ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 26,000 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और वहाँ पर आपको 5,000 mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो बैटरी वाइज तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A73 बहुत ही ज़्यादा आगे आपको इस स्मार्टफोन से देखने को मिल जाएगा। सो ये था मेरा कुछ ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड। तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? तो अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं प्रीमियम क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो, गेमिंग आप काफ़ी अच्छी करना चाहते हैं और ऊपर से आप उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी देखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आईफोन एक्सएस की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो स्मार्टफोन आपको सेकेंड हैंड देखने को मिलेगा या फिर इसे आप स्वैप भी बाई कर सकते हैं। अगर आप एक जानना चाहते हैं कि कैसे एक स्मार्टफोन को स्वैप आप कर सकते हैं तो वो जाकर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इंटी की अगर बात करूँ तो स्वैप फोन आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी कंडीशन आपको 100% एक स्मार्टफोन, जैसे कि आप किसी शॉप में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन एक्सएस देखने को मिल जाएगा अगर आप एक स्वैप बाय करते हैं। बट अगर आप सेकंड हैंड बाय करते हैं तो इसकी प्राइस आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी। तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? तो मेरे हिसाब से आपको A73 अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आईफोन से छोड़कर आप वन प्लस की तरफ भी जा सकते हैं, सैमसंग की तरफ भी इवन आप जा सकते हैं, आप अपने S10 प्लस बाय कर सकते हैं, नोट 10 प्लस बाय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी ऑप्शन है, आप डेफिनेटली एक बार जरूर से डिसाइड करिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।